हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत आसान सा बुनाई डिज़ाइन है, बिगनर फ्रेंडली। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो इस डिज़ाइन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो आपको 8 के मल्टीपल में स्टिचेज लेने हैं, यानी कि 8 के गुने में आपको फंदे लेने होंगे, प्लस 3 फंदा आपको इसमें एक्स्ट्रा रखना होगा। ठीक है, 8 के गुने में फंदे लेके 3 फंदा एक्स्ट्रा रखना होगा, और 16 सलाइयों में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। तो जो 16 सलाइयाँ आपको बताऊंगी, देख लीजिएगा सभी सलाइयाँ, एक भी स्किप मत करना, और डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बन के आएगा। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ से फंदे डाले और एक सलाई उल्टी तरफ से बना ली। अब फ्रंट साइड से हम अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी फ्रंट साइड पे हूँ, यानी कि राइट साइड पे। तो पहला फंदा मैं एज स्टिच का ऐसे सीधा बना लूंगी। ठीक है, ये तो एज स्टिच का हो गया। इसके बाद 4 फंदे हम यहाँ सीधा बनाएंगे। देखिए, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, 4 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे। अब 3 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3। तो देखिए, यहाँ पे एज स्टिच को छोड़कर ये जो 8 फंदे हमने बनाए, 2 4 6 8, यही रिपीट करेंगे। तो पहले हम 4 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे। फिर 4 फंदा हम, ये देखिए 3 फंदा हमने ये बना लिया सीधा। फिर एक, ये 2 फंदा बचेगा, 1 फंदा एज सीधा बना के एज स्टिच का 1 फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से। रॉन्ग साइड से आ जाएंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करके सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी रो नंबर 2 है। इस तरह से सभी फंदों को हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, अब देखिए रो नंबर 3 पर आ जाएंगे। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे एज स्टिच का। इसके बाद पहले हमने 4 फंदा सीधा बनाया था, अब हम 3 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब 3 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2 3, धागा पीछे ले जाएंगे। अब हम यहाँ पे 2 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2। तो देखिए 8 फंदा हो गया, 2 4 6 8। तो फिर से हम वही करेंगे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा। लास्ट में 2 फंदा बचेगा, इसमें से 1 फंदा आपको सीधा बना लेना है और एज स्टिच को भी सीधा बना लेना है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 पूरी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो मेकअप वाला चैनल है वो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिएगा। वहां पर मैं DIY, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल, शॉपिंग वीडियोस डालती हूँ। फेस्टिव सीजन चल रहा है तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस वहाँ पे आने वाले हैं, तो एक बार जाके देख लीजिएगा। लिंक आपको मेरे उस चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा मेकअप वाले चैनल का लिंक। तो प्लीज़ वहाँ पे मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, प्यार सपोर्ट दीजिएगा। जैसे आपने मेरे इस चैनल को दिया है वैसे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। देखिए इस तरह से हमने ये रो नंबर 4 बना ली। इसमें आपको रॉन्ग साइड से ना सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बनाना है ना, हर सलाई को उल्टा ही बनाना है। 5वीं सलाई, पहला फंदा स्लिप करके अब हम यहाँ पे 2 फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 4, सॉरी गाइस यहाँ पे ब्लर हो गया, ठीक है, और ये 5, धागा पीछे। देखिए 2 4 6 7 हो गए। अब 1 फंदा सीधा बनाएंगे आगे। फिर देखिए 2 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3
5, धागा पीछे एक फंदा सीधा। अब ये लास्ट में जो दो फंदे बचे हैं उसको एक फंदा सीधा और एज स्टिच को भी सीधा बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 पूरी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब आ गए हम अपनी फ्रंट साइड। पहला फंदा स्लिप करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 7 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, ये रो नंबर 7 है। धागा पीछे, अब एक फंदा सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ, अब बीच में एक फंदा सीधा रह जाएगा, 7 फंदा उल्टा। ये देखिए इस तरह से लास्ट में ये दो फंदा बचा, इनको एक फंदे को सीधा और एज स्टिच बना लेंगे। अब रो नंबर 8 रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बना लेंगे। पहला फंदा स्लिप करके सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। रो नंबर 8 उल्टी बनाते हुए हमने कंप्लीट कर ली। अब रो नंबर 9 देखना, बनेगा तो ऐसे ही लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो डिजाइन इस तरह से बन गया है। अब ये जो ट्रायंगल वाला डिजाइन है वो हम इस एक फंदे पे डालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये जो एक फंदा सीधा है ना इसे हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, अब ये जितने भी उल्टे फंदे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, देखो कितने हो गए, 3 हो गए, 4, 5, 6 और ये 7। फिर ये वाला जो फंदा है सीधा इसे उल्टा बना लेंगे, फिर 7 फंदा सीधा, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, धागा अपनी तरफ, ये लास्ट में एक फंदा आप उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे एज स्टिच को सीधा। ठीक है, अब रॉन्ग साइड से पूरी रो आप उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ये रो नंबर 10 है, यानी कि 10वीं सिलाई हम ये बना रहे हैं। अब देखिए रो नंबर 11 पर आ गए, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ, अब देखो एक फंदा पहले हमने उल्टा बनाया था, अब दो फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे, धागा पीछे, अब 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदा, 2, 4, 6, 7। ठीक है, ये उल्टा सीधा बना के धागा अपनी तरफ लाएंगे, अब देखो यहाँ पे 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, तो ये जो एक फंदा है वो इसमें आ जाएगा, 2, 4, 6, यानी एक दो फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। फिर अगले बार के लिए 2 फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा, 3, 4 और ये 5, और एक फंदा हम और बनाएंगे उल्टा, लास्ट में एक फंदा जो बचा है हमारे पास उसे भी उल्टा बना के एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। 12वीं सिलाई रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने 12 सिलाइयां बना ली। अब रो नंबर 13 पे आ गए, पहला फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ ले आएंगे, अब हम यह 3 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1, 2, 3, धागा पीछे, अब देखिए 1, 2, 3, 3 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदा उल्टा। ये देखिए 8 फंदा मैंने बना लिया, 2, 4, 6, 8। फिर देखिए फिर से हम यही करेंगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, धागा अपनी तरफ, 2 फंदा उल्टा। अब लास्ट का एक फंदा बचा उसे भी हम उल्टा बनाएंगे और एज स्टिच को सीधा।
अब रो नंबर 14 पूरी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। चौदहवीं सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली। रो नंबर 15 देखना, पहला फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ। अब हम चार फंदा उल्टा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा, 2 और ये 3। देखो 8 फंदे हो गए, 2, 4, 6, 8। अब फिर से देखो, चार फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा, 1, 2, 3। लास्ट का फंदा उल्टा बना के एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। ये देखिए रो नंबर 15 बन के कम्प्लीट हो गई। रो नंबर 16 सोलहवीं सिलाई पूरी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। एक फंदा स्लिप करके सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियोस नहीं देखते हो बिल्कुल भी, तो गाइस वीडियोस देखा करो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको ट्राई भी किया करो। कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप उनसे पूछा करो कमेंट करके। तो देखो इस तरह से ये डिज़ाइन बनके आएगा। 16 सलाइयाँ इसकी जब बनाते हुए जाएंगे, और अगर आप इसे जब ज़्यादा फंदों पर बना लेंगे तो देखो मैंने ये लाइट कलर में भी बनाया हुआ है, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आए, ये डार्क कलर में, ठीक है। तो जब आप इसे ज़्यादा फंदों पे बनाएंगे तो ये डिज़ाइन देखिए इस तरह से दिखाई देगा। बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के आता है। ये देखिए फ्रंट साइड से ऐसे दिखेगा और रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखता है। तो इस डिज़ाइन को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कॉमेंट करके बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप डालेंगे, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, हर जगह बहुत खूबसूरत बनेगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। शेयर करिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।